हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, इस मास्क को लगाने के बाद ये देखिए इसका जो लुक है वो इस तरह से आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल है, बिल्कुल मार्केट के जैसा लग रहा है। तो आप इस तरह से सर्दियों के लिए मास्क बना सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए या फिर बड़े लोगों के लिए, किसी के लिए भी आप इस मास्क को बना सकते हैं। और ये काफ़ी लूज है, इसे कोई बड़ा भी पहन सकता है ये देखिए, और इसे बच्चे भी पहन सकते हैं, क्योंकि जो बूलन होती है वो स्ट्रेस होती है। तो चलिए इस मास्क को बनाना शुरू कर। तो यहाँ पर हम 10 रुपये की बूलन ले रहे हैं। 10 रुपये की बूलन से ही आप इस मास्क को बना सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी ऊन काफ़ी है इसके लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फंदे डालेंगे। तो पहले हम इसमें एक नॉट लगा लेंगे, क्योंकि अब इस तरह के वायरस से बचने के लिए हमें मास्क लगाना ज़रूरी है। तो इसलिए हम गरम मास्क बना लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 12 फंदे डाल लिए हैं। अब हम इन फंदों को बुन लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम कुछ सलाइयाँ इसमें फेर लेते हैं। उल्टी उल्टी फेरनी है, हमें इसमें सीधी नहीं बुनना है। हम इसे उल्टा उल्टा बुनेंगे, जिससे सीधा बुनना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उल्टा बुनना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है, काफ़ी आसान होता है। इसलिए हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इसे बुनने का जो तरीका है वो काफ़ी आसान होता है। इस मास्क को कोई भी बनाकर तैयार कर लेगा, जिसको सिलाई चलाना भी नहीं आता होगा वो लोग भी इस मास्क को बना लेंगे। बिल्कुल बुनाई करना नहीं आता है तो इस तरीके से हम कुछ सिलाइयाँ इसमें फेर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो इसमें फंदे डाले हैं वो 12 फंदे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 14 सिलाई इसमें फेर ली हैं, इधर से उधर से, यानी कि 7 रो ये बनाकर तैयार कर ली हैं। जो आपको ये रो सी दिख रही हैं वो मैंने 7 बुन ली हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मैंने यहाँ पर 7 रो बुन ली हैं। अब हम यहाँ पर फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे इसमें, क्योंकि इसे हमें थोड़ा सा इस तरह से नहीं बनाना है, जिस तरह से नॉर्मल मास्क होते हैं उसी तरह से बनाना है। तो सबसे पहले हम सिलाई लेंगे और इससे हम इस तरह से सिलाई के ऊपर से इस धागे को, अपना जो बुलन है उसे हम इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने 1 बुना है, तो 2 हो गए हमारे फंदे। तो अब हम पूरी सिलाई को बुन लेंगे। इसी तरह से हमें हर सिलाई पर ये फंदे बढ़ाने हैं दोनों साइड से। तो ये देखिए, इधर से हमने फंदा बढ़ा लिया है, अब हम इसे बुन लेते हैं पूरा। जिस तरह से हमारे नॉर्मल मास्क होते हैं, जो हम कपड़े के खरीदते हैं, कपड़े के बनाते हैं, उसी तरह से बनाना है। तो फिर से हम सिलाई के ऊपर से इस तरह से करेंगे और इधर से बुन लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 12 थे फंदे हमारे, अब हमारे 14 हो गए हैं, क्योंकि हमने एक एक बढ़ा लिया है दोनों साइड से हर सिलाई पर। तो इसी तरह से हमें बढ़ाना है, तो इस साइड से भी बढ़ा लेते हैं, हर सिलाई पर बढ़ाना है। जैसे हम सिलाई बुनते हैं, पहली जो फंदा लेते हैं उसी के साथ हमें हर सिलाई पर ये फंदे बढ़ाने हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ फंदे बढ़ा लेती हूँ, उसके बाद आपको क्लियर दिखेगा कि इसका जो लुक है वो किस तरह से आ रहा है। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारी रो बनती जाएगी, इसी तरह से इस साइड में भी बनती जाएगी। तो ये हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, ये देखिए।
तो अब ये जब हमारा थोड़ा सा बन जाएगा उसके बाद ये आपको क्लियर दिखेगा। तो ये देखिए सिलाई के ऊपर से हमें इस तरह से निकालना है थ्रेड्स को और इसे बुन लेना है। तो ये देखिए कुछ मैंने फंदे यहाँ पर बढ़ा लिए हैं, तो इसकी जो फिनिशिंग है वो इस तरह से आई है, यानी कि यहाँ से ऐसे फिर ऐसे ऐसे, तो जो हमारा मास्क होता है वो कुछ ऐसे ही होता है। तो अब मैं आपको एक नॉर्मल मास्क दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें भी कुछ ऐसे है फिर ऐसे ऐसे, तो इसे हम छोड़ देंगे, इस तरह से बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा एक जैसा है फिर ऐसे ऐसे है, तो ऐसे हम इस मास्क को बना रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने यहाँ पर फंदे बढ़ाए हैं, तो जो सिलाई है उसके ऊपर से हमने इस तरह से निकाला है और इसे हमने इस तरह से बुन लिया है। अब पूरी रो को हमें इसी तरह से बुनना है, ना यहाँ पर कोई घटाना है ना ही बढ़ाना है। तो यहाँ तक हमें ऐसे ही बुनना है इसे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पूरी सिलाई फेर ली है इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर 8 सिलाई बिना फंदा बढ़ाए हुए फेरेंगे, सिर्फ जो फंदे हैं उन्हीं उन्हीं को बुनना है, ना तो हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे और ना ही घटाएंगे। तो 8 सिलाई फेर लेंगे, एक इधर से फिर एक इधर से, इधर से इधर से, इस तरह से 8 सिलाई फेर लेंगे यहाँ पर सीधी सीधी। यहाँ पर कोई फंदे बढ़ाने नहीं हैं ना ही घटाने हैं, 8 या 6 या फिर 9 10 आप अपने हिसाब से यहाँ पर ये सिलाइयाँ फेर सकती हैं। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से फेर लेती हूँ। तो देखिए बिल्कुल कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं करना है, जितने फंदे हैं उनको सिर्फ बुनना है। कुछ रो हम जो फंदे हैं उन्हीं को बुन लेंगे, यहाँ पर कोई फंदे बढ़ाएंगे नहीं ना ही घटाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कोई फंदे बढ़ाए नहीं हैं, सिर्फ जो फंदे हैं उन्हीं को बुन लिया है। इसी तरह से हम कुछ सिलाइयाँ फेर लेते हैं बिना फंदों को बढ़ाए हुए। तो ये देखिए कुछ सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर फेर ली हैं, तो 8 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर फेरी हैं। ये देखिए इस तरह से एक रोसी बन गई है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम जैसे हमने यहाँ से फंदे बढ़ाए थे उसी तरह से हम यहाँ से फंदे घटाएंगे, तो इसकी जो डिज़ाइन है वो इस तरह से आएगी। तो अब हम फंदे घटाना बताते हैं कि किस तरह से घटाने हैं। हर सिलाई पे बढ़ाए थे तो हर सिलाई पे ही हमको घटाने हैं ये फंदे। तो यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे और पूरी सिलाई को अब हम इसी तरह से बुन लेंगे। अब ना तो हमें यहाँ पर फंदा बढ़ाना है और ना ही घटाना है, सिर्फ बुनना ही है पूरी सिलाई को। तो यहाँ पर हमने 2 का 1 कर दिया और पूरी सिलाई को फेर लिया है। अब हम दूसरी सिलाई फेरेंगे, तो यहाँ पर भी हम 2 का 1 कर देंगे और फिर सिलाई को पूरा वैसे के वैसे ही फेर लेंगे, ना हमें कोई फंदा बढ़ाना है ना ही घटाना है। अब हमें सिर्फ सिलाई को ऐसे ही बुनना है जिस तरह से हमने यहाँ पर 2 का 1 किया था शुरू में, फिर पूरी सिलाई को बुन लिया है। इसी तरह से हमने यहाँ पर 2 का 1 कर दिया है, अब हम पूरी सिलाई को बुन लेंगे। इसी तरह से हमें 12 फंदे होने तक इसे ऐसे ही बुनना है, हर सिलाई पे हमें 2 का 1 करना है और फिर पूरी सिलाई को इसी तरह से बुन लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये फंदे घटा लिए हैं, यहाँ से मैंने बढ़ाए थे और यहाँ से मैंने घटाए हैं। तो अब हम गिन लेते हैं कितने फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर हमने जो फंदे लिए थे वो 12 लिए थे, यहाँ पर भी हमें 12 ही रखने हैं। फिर यहाँ पर हमें इतना बुनकर तैयार करना है जिसमें हमने कितनी सिलाइयाँ फेरी हैं, 1 2 3 4 5 6 7
सेवन सिलाइयाँ फेड़ी हैं, यानी कि 14 सिलाइयाँ, सेवन रो बनकर तैयार हुई हैं, यानी कि 14 सिलाइयाँ यहाँ पर हमें फेड़नी है। इसमें हमें कोई फंदा घटाना नहीं है, सिर्फ जितना हमने यहाँ पर इस तरह से बनाया था उसी तरह से हमें यहाँ पर भी बनाना है। कुछ नहीं करना, अब हमें फंदे नहीं घटाने हैं, सिर्फ इसे बुनना है पूरा। तो ये देखिए, इसी तरह से हमें यहाँ पर बुनकर तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ फेड़ ली हैं, तो हमें 14 फेड़नी है, तो 12 सिलाइयाँ और फेड़ लेते हैं। 2 सिलाइयाँ फेड़ने से एक रो बनकर तैयार होती है। और ये देखिए इसकी जो डिजाइन है वो किस तरह से आएगी, जो ये डिजाइन है हमने यहाँ पर बनाई थी वो हमारी नोज पर आएगी और ये हमारी साइड से आएंगे। तो इसी तरह से बनाना है, तो इसे मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 7 रो पूरी कर ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 रो हमारी पूरी हो गई हैं। तो अब हम ये फंदे उतार लेते हैं इसके, तो 2 का एक करते जाएंगे, 2 फंदे लिए उनका एक कर दिया। अब जो हमने फंदा ले लिया है उसे हम इसी में उतार लेंगे इस तरह से। अब फिर से 2 का एक करेंगे और इस फंदे को इसी में उतार लेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे। तो ये देखिए, 2 का एक करते हुए मैंने यहाँ पर फंदे को उतार लिया है। अब हमारा एक फंदा बच गया है, तो अब हम जो स्टेप है उसे कट कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, मास्क हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसमें स्ट्रैप लगा लेते हैं, जिसे हम कान के अंदर फिल करते हैं। तो ये देखिए, इसकी जो डिजाइन है वो इस तरह से आएगी। अब हम अपना ये बुलन लेंगे, अब हम इसे अपने बांधने के लिए स्ट्रैप बनाएंगे। तो यहाँ पर डबल लेयर ले लेते हैं, आप चाहे तो इसे बुन सकते हैं, आप चाहे तो इसे चोटी की तरह गूंथ भी सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इस तरह से बना रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमें बनानी है ये चेन की तरह। तो यहाँ पर जितनी बड़ी मुझे चेन बनानी थी उतनी बड़ी मैंने यहाँ पर बना ली है। अब हम जो भी एक्स्ट्रा बुलन है उसे कट कर देंगे। अब हमें इनको यहाँ पर सिलना है, तो इसे हम सुई धागे से टाक लेते हैं। चेंज मैंने यहाँ पर जो स्टेप ली है वो चेंज ली है, तो इसी तरह से हम इस साइड में इसे टांग लेते हैं, इसी तरह से हम इस साइड के लिए भी इसमें बना लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने दोनों साइड में स्टेप को लगा लिया है, तो ये हमारा मास्क बनकर तैयार है। ये देखिए, दोनों साइड में मैंने सिल लिया है इसको, तो ये हमारा मास्क बनकर तैयार है। तो आपने देखा होगा बुलन से आज हमने कितना ही सुंदर सा और बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर लिया है इस मास्क को। और ये देखिए, जो हमने 10 रुपए की बुलन ली थी उसमें से आधी सी बुलन तो बच गई है, इसमें से हम एक और मास्क बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस मास्क को लगाने के बाद ये देखिए इसका जो लुक है वो इस तरह से आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।